अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर ने छात्रों की समस्या को दरकिनार किए जाने पर उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है। विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे छात्रों के साथ अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जिसके तहत आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर ने छात्रों की समस्याओं का दरकिनार किए जाने पर उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है। विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे छात्रों के साथ अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जिसके तहत आगामी दिनों में पूरे प्रदेश भर में एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन, छात्रा अंकिता, इकाई सह सचिव नितिन कुमार ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रांत कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में एबीवीपी प्रदेश भर में मांगों को लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाली न करके छात्रों के हितों से कुठाराघात किया जा रहा है, साथ ही परीक्षा परिणाम में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। आपको बता दें कि एबीवीपी द्वारा 21 अगस्त से प्रदेश भर के कॉलेजों में प्रदर्शन किए जाएंगे। 23 अगस्त को मुंह पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा तो 26 व 27 अगस्त को सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। 29 अगस्त को कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया जाएगा तो 4 सितंबर को रैलियां निकाली जाएंगी। 7 सितंबर को पूर्ण शिक्षा बंद की जाएगी और 10 और 11 सितंबर को जन प्रतिनिधियों का घेराव एबीवीपी द्वारा पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। अगर छात्र संघ चुनाव जो है वो छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार है, जिससे हिमाचल के छात्रों को वंचित रखा जा रहा है, तो विद्यार्थी परिषद सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करती है। विद्यार्थी परिषद सरकार को बताना चाहती है कि अगर विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी, जिसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। 21 अगस्त प्रदेश महाविद्यालय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन करेगी। 23 अगस्त सभी इकाइयों में छात्रों इकाइयों में मुँह में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। 26-27 अगस्त को 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल विद्यार्थी परिषद द्वारा की जाएगी। 29 अगस्त विद्यार्थी परिषद प्रधानाचार्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय किसी भी विद्यालय में कुलपति का घेराव किया जाएगा। 4 सितंबर इकाइयों में रैली निकाली जाएगी। 7 सितंबर प्रदेश में पूर्ण शिक्षा बंद किया जाएगा। 10-11 सितंबर जन प्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा।